मॉर्निंग मेरे प्यारे कक्षा 12वीं की बच्चे, जैसा कि लास्ट वीक हमने आपके उपन्यास से कुछ पात्रों के चरित्र चित्रण करे, आज जितने लेफ्ट ओवर बाकी बचे हुए, आज मैं जैसा भाभी है, दूसरे कैरेक्टर बाबूजी है, इन दो चरित्रों के चरित्र चित्रण मैं कराऊंगी। पिछले बार आपने किए थे शिरीष भाई जी और दूसरे आपके समर के और प्रभा। सो आज मैं ये दो करवाने जा रही हूँ, भाभी और बाबूजी के चरित्र चित्रण। सबसे पहले मैं भाभी जी के बारे में इस कहानी यानी उपन्यास में, जो राजेंद्र यादव जी ने आगरा शहर के राजा मंडी के क्षेत्र निवासी होने के नाते उन्होंने वहां का मध्यम वर्गीय परिवार का जो चित्र उन्होंने उजागर किया कि मध्यम वर्गीय परिवार कैसे धन के अभाव से जूझते हैं, धन के अभाव से कैसे अपने पूरे संयुक्त परिवार को लेके जूझते हैं, उसका चित्र है। अब इस समर के परिवार के यहाँ स्पेशल इन्होंने राजेंद्र यादव जी ने उजागर किया है। समर के परिवार जो 9 सदस्य के परिवार होते हैं, सो उनमें से सबसे बड़ा जो भाई धीरज, समर से पहला जो धीरज भाई, उसी धीरज का पत्नी भाभी। इस उपन्यास में इन्होंने धीरज का पत्नी का भूमिका इन्होंने निभाई है। सो कुछ बिंदुओं के आधार पर इनका चरित्र चित्रण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भाभी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, कैसे भाभी इस उपन्यास में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के यहाँ दिखाई गई है। उन्होंने इस उपन्यास में कैसे समर के विवाह के बाद से ही भाभी समर की पत्नी प्रभा से ईर्ष्या करने लगती है, उसकी कैरेक्टर ही ऐसा इन्होंने उपन्यासकार ने दिखाई। प्रभा की पढ़ाई लिखाई और सुंदरता से वो बहुत ईर्ष्या करती थी, भाव ईर्ष्या की भाव हमेशा जगाई रखती थी, इसीलिए प्रभा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। हमेशा उसे ताने देना, खींचातानी करना, परिवार के सामने उसे तुच्छ, है ना, उनकी उसकी गलतियों को निकालना, क्योंकि ये सब कारण उसकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के ही थे। प्रभा पर्दा नहीं करती इस बात से, वो पूरे परिवार को हल्ला मचा देती है, घमंडी बाकी नाना प्रकार प्रभा के प्रति जो भी ईर्ष्या वाली जो उसकी चरित्र थी वो दिखाती थी। इसी वाक्यों से पता चलता है कि भाभी कैसी ईर्ष्या करती थी प्रभा के प्रति। अब उसके दूसरे बिंदु षड्यंत्र रचने में निपुण, कैसे समर की भाभी प्रभा के काम में हर समय कमी निकालती ताकि प्रभा की कोई तारीफ ना करे बल्कि सभी उसकी बुराई ही करें और प्रभा को परिवार में उनके जैसा सम्मान प्राप्त ना हो। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह कोई ना कोई षड्यंत्र परिवार के समक्ष रचती ही रहती थी। इसका उदाहरण उपन्यास के प्रारंभिक अंश में ही लिखा है। विवाह के बाद प्रभा ने जब पहली बार खाना बनाया तो दाल में उसने नमक सही डाला था प्रभा की ओर से, क्योंकि प्रभा स्वयं चक्कर देख चुकी थी, परंतु मौका पाते ही भाभी ने दाल में ढेर सारी मुट्ठी भर उन्होंने क्या नमक डाल दी, दाल कड़वी हो गई और प्रभा को सबके सामने ताने सुनने पड़े। प्रभा को सबके सामने नीचा दिखाना उसने जो चाहा, वो उस उद्देश्य में वो निपुण हुई। इस प्रकार वो षड्यंत्र रचती रही। अब उसके तीसरा, मीठा बोलने वाली भाभी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही, ऊपर से देखने पर वह बड़ी सीधी सादी और सादगीपूर्ण व्यवहार करने वाली दिखाई देती। समर के प्रति बाहर से उनका व्यवहार बड़ा अपनेपन का होता था बाहरी रूप से, पर मन ही वह प्रभा और समर के बीच पनपते तनाव को कम नहीं होने देना चाहती।
तभी तो अवसर पाते ही वह प्रभा के प्रति समर के कान भर लगाती है, पूरी चुगली करके उसकी बुराई करती है। समर की भाभी पारिवारिक स्तर पर स्त्रियों द्वारा खेली जाने वाली राजनीति के कुशल खिलाड़ी थी। इस प्रकार उनके तीसरी बिंदु। अब है उनके चौथा, निंदा प्रेमी। बहुत निंदा करते थे। समर की भाभी को दूसरों की बुराई करने में बहुत ही आनंद आता है। प्रभा के मायके चले जाने पर वह समर की प्रभा की तरह तरह से बुराई करती और यह जताना चाहती है कि प्रभा को अपनी पढ़ाई और सुंदरता पर वो बहुत ही घमंड करती है। वह समर को बहुत चतुराई से अपनी बातों के जाल में फंसा कर स्वयं को समर का हितैषी सिद्ध करना चाहती थी। प्रभा की निंदा हमेशा ही करती रहती थी किसी न किसी कारणवश। इस प्रकार की भूमिका। अब हम देखते हैं चौथे पांचवें, हंसी मजाक में कुशल। कैसे? समर की भाभी हल्की फुल्की हंसी मजाक भी करने लगती। देवर और भाभी के बीच हो जो हास परिहास होता वह समर और उसकी भाभी के बीच भी होता रहता। समर के विवाह के बाद भाभी समर को अक्सर छेड़ती रहती। प्रभा के प्रति भाभी के मन में ईर्ष्या का भाव है और वह स्वयं समय समय पर प्रभा को ताने मारने में भी चुकती नहीं थी। इस प्रकार उसकी हंसी मजाक की कैरेक्टर। आप छठे में देखते हैं झगड़ालू प्रवृत्ति। समर की भाभी स्वभाव से ही झगड़ालू, किसी भी कारण वो झगड़ा करने लड़ने बैठ जाती थी। फकीर की तरह सड़ी गली मान्यताओं और परंपराओं पर विश्वास करती थी और इन्हीं के कारण वो हमेशा परिवार के बीच लड़ती झगड़ती। बात का बतंगर बना देना और बेवजह उल्टी सीधी बातें सुना देना भाभी के चरित्र की एक अन्य विशेषता थी। इस प्रकार वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। अब हम देखते हैं अंधविश्वासी महिला। कैसे? समर की भाभी शिक्षित नहीं, यही कारण कि वह लकीर के फकीर की तरह सही गली बातों पे हुए विश्वास करती। वह भूत प्रेत तंत्र मंत्र गंडा ताबीज आदि पर आंख मूंद कर भरोसा करती। वही प्रभा की कमर में बाबूजी का दिया हुआ गंडा और ताबीज बनवा देती। समर की भाभी अंधविश्वासी तो इतनी है कि एक दिन अनजाने में मिट्टी के गणेश जी को साधारण मिट्टी समझकर जब प्रभा उसने बर्तन मांज ली तो भाभी यह कहकर कि अब तो घर में अनिष्ट हो कर ही रहेगा कोहराम मचा देती है। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भाभी चरित्र की रचना किए बिना समर और प्रभा की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राजेंद्र यादव जी ने सारा आकाश में जिस भाभी का चित्रण किया है वह आज भी हमारे परिवारों में दिखाई देती है। नई बहू के परिवार में आगमन के साथ ही बड़ी बहू के मन में उसकी प्रति ईर्ष्या का भाव आना स्वाभाविक है। नई बहू के प्रति असहयोग व्यवहार उसकी निंदा और उसकी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना एक आम भारतीय भाभी का यही चरित्र है। सो यहाँ इन बिंदुओं के आधार पर भाभी ने अपने चरित्र पूरी तरह से निभाई है। सो ये रहे आपके भाभी के चरित्र। अब हम जाते हैं दूसरे चरित्र चित्रण पे, बाबूजी के। बाबूजी जो इस उपन्यास के सबसे मुखिया यानी उस मध्यम वर्गीय परिवार के सबसे मुख्य पात्रों के द्वारा बाबूजी को प्रस्तुत किया गया है। अब बाबूजी कैसे यहाँ पे पूरे परिवार को चलाते हैं, समर के पूरे मध्यम वर्गीय परिवार को चलाते हैं। अब उनके भी कुछ बिंदुएं दे रखे हैं, इन बिंदुओं के आधार पर उनके चरित्र दिखाते हैं। यहाँ पे राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखे उपन्यास में बाबूजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। दयनीय आर्थिक स्थिति ने उन्हें क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया है। युवक समर के जीवन में आने वाली समस्या परेशानियां उपन्यास में दिखाने के लिए ही बाबूजी जैसे पात्र का होना बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो बाबूजी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। उनका चरित्र एक उलझे हुए तानाशाह वृद्ध के जैसा है। एक
ऐसा वृद्ध जो परिवार के सभी सदस्यों को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहता है। बाबूजी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन भी कुछ इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर है। सबसे पहला, परिवार के मुखिया। बाबूजी संयुक्त परिवार यानी समर के परिवार के मुखिया है, अर्थात परिवार के छोटे बड़े सभी फैसले बाबूजी के द्वारा ही होते थे। उनके परिवार में पत्नी, चार पुत्र समर, अमर तथा कुंवर, बड़े पुत्र धीरज का विवाह हो चुका और उसकी पत्नी पूरे परिवार में भाभी के नाम से जानी जाती। पूरे उपन्यास में उनका कहीं ना कहीं नाम है। दूसरा पुत्र समर 12वीं में पढ़ रहा है, परंतु उसका भी विवाह हो चुका है तथा उसकी नवविवाहिता पत्नी का नाम प्रभा। इनके अलावा बाबूजी की एक विवाहित पुत्री भी है मुन्नी। इन सभी पे वही शासन चलाती। अब है दूसरे उनके चरित्र चित्र के आधार पे दूरदर्शिता का अभाव। दूरदर्शिता का अभाव इस उपन्यास में दिखाई गई बाबूजी की दूरदर्शिता का अभाव कैसे, वो बिना भविष्य के बिना कुछ सोचे ही छोटे से उम्र में ही समर का विवाह कर देता है, जबकि उनके परिवार में पैसे रुपए की कमियां थी। नहीं सोचे उन्होंने कि समर के विवाह करने के बाद पैसे रुपए की और तंगी आ जाएंगे। बिना सोचे उन्होंने छोटे से उम्र में ही उसकी शादी कर दी, जबकि ये आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में बेरोजगार बेरोजगार का विवाह कर देना दूरदर्शिता नहीं कहा जा सकता, अदूरदर्शिता ही है। इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जब मामा जी अमर के विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो बाबूजी अमर का विवाह करने को भी वो तैयार हो जाते हैं। सो ये अदूरदर्शिता होने का ही सबूत है। पुत्री मुन्नी के विवाह में लिया गया 7-8 हजार कर्जा भी है। इतना धन खर्च करने के बाद भी उन्होंने मुन्नी के विवाह से पहले उसके होने वाले पति के चरित्र का पता भी नहीं लगाया। यही नहीं, मुन्नी का अत्याचारी पति जब उसे लेने आता है तब भी बाबूजी मुन्नी की इच्छा न होते हुए भी उसे समाज का भय दिखाकर जबरदस्त पति के साथ उसे भेज देता है। सो ये सब क्या है, जबकि मुन्नी का परिणाम क्या हुआ, पति के पास जाने का, वो मृत्यु हो जाती है उसकी वहां। सो ये अदूरदर्शिता का अभाव अदूरदर्शिता ही कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं तीसरे बिंदु, कमजोर आर्थिक स्थिति। कमजोर आर्थिक स्थिति, परिवार में आय के केवल दो स्रोत, एक बाबूजी स्वयं जो महीने में उनके पेंशन मिलती और दूसरा धीरज कमाते। सो 125 रुपए प्रति माह की आय से इतने बड़े परिवार का भरण पोषण एक समस्या ही था। इसीलिए बाबूजी चाहते हैं कि समर अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करे। बाबूजी आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते। इसके अतिरिक्त मुन्नी के विवाह के समय लिया गया कर्जा भी चुकाना बाबूजी के बस के बाहर है। अब है उनके चौथे, चिड़चिड़ा एवं क्रोधी स्वभाव। कैसे चिड़चिड़ा, पूरे उपन्यास में शुरू से अंत तक बाबूजी के यही स्वभाव यहाँ दिखाई गई है। इन सब का कारण है घर में आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण, तंगी होने के कारण, शुरू से अंत तक चिड़चिड़े के कारण धन का अभाव छोटी छोटी बड़ी समस्या का जन्म देती है। बाबूजी आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए अपने परिवार को अपना परिवार और अपना जीवन काट रहे थे। आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली कहावत बाबूजी पर भी लागू होता है। 10 लोगों का परिवार, कमाने वाले सिर्फ 2 व्यक्ति। रोजमर्रा जरूरतें पूरा करने को जब पैसा नहीं होता तब बाबूजी चिल्लाते झगड़ा करते और चिड़चिड़े हो जाते। इस प्रकार सारी जो है चिड़चिड़ाहट वो समर के ऊपर निकाल देता, प्रारंभ से अंत तक दिखाई देती है। और एक मात्र कारण आर्थिक तंगी, बाबूजी का स्वभाव भी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण क्रोधी और चिड़चिड़ा यहाँ दिखाई गई है। अब हम देखते हैं उनके पांचवे, स्नेह शून्य व्यक्ति। उनके स्वभाव भी ऐसा कुछ दिखाई है, स्नेह किसी के प्रति प्रेम की भावना ना रखना। अपने संतानों से भी वह पूरे उपन्यास में कहीं भी
प्रेम पूर्वक बातें करते हुए उन्हें नहीं दिखाई। समर के लिए तो उनके मन में इतनी करवावट बढ़ी हुई है कि वह उससे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते। जब उन्हें समर के नौकरी कर लेने की बात पता चल, तब जरूर समर के प्रति हल्का सा व्यवहार बदल जाता है, पर समर की नौकरी छूट जाते ही उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन तो क्रोध में आकर उन्होंने समर की पूरी तरह से पिटाई भी कर दी। सो संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि सारा आकाश में समर के बाबूजी का जो चित्र उभर कर आया है वह एक दीनहीन वृद्ध का चरित्र है। एक ऐसा वृद्ध जिसके ऊपर परिवार के मुखिया होने के कारण सबकी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों की तुलना में धन बहुत कम है, इसीलिए छोटी छोटी जरूरतें जब वह पूरी नहीं कर पाते तब बेवजह झल्लाते, चिढ़ते और क्रोध करते। परिवार के प्रत्येक सदस्य को वह अपने अधीन समझते और उन पर क्रोध करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते। उपन्यासकार ने बाबूजी के रूप में एक ऐसे पात्र की रचना की है जो आर्थिक संकट का सामना करते हुए किसी भी भारतीय परिवार में देखा जा सकता है। इस प्रकार वह एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। सो आज आपने इन दो चरित्र भाभी और बाबूजी के हमने करवाए। सो आपको इन्हीं बिंदु के आधार पर करना है, आपको ये प्रश्न कक्षा में दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। सो आपको याद करना है इसी के आधार पर। आज के लिए इतना, नेक्स्ट मैं अगले आपके कैरेक्टर के साथ मिलती हूँ। थैंक यू।